अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तीन लड़कों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुनगा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तीन लड़कों ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी में मासूम के साथ गैंगरेप की खबर आपको बता रहे हैं। तीन लड़कों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुनगा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी देंगे रिजवान, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर, ये मासूम के साथ गैंगरेप हुआ है। बिल्कुल शिवानी, बताना चाहूंगा, बच्ची जो है 12 साल की जो बच्ची है वो रायसेन की रहने वाली है। वो अपने किसी रिश्तेदार के घर यहाँ आई थी, यहाँ गुनगा थाना क्षेत्र है। साफ तौर से तीन युवकों ने जो है उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जब वो घर में अकेली थी उस समय जब वो है तीन युवक घर में घुसे, उसके साथ जबरदस्ती की, उसका वीडियो भी बनाया। जब बच्ची रायसेन अपने घर गई, पिता को उसने ये आपबीती बताई, इसके बाद जो है मामला दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया और आगे कार्रवाई जो है शुरू कर दी। जी धन्यवाद रिजवान तमाम जानकारी के लिए। मासूम के साथ गैंगरेप की खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। तीन लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।